100 मीटर में अगर आप अच्छे से स्पीड लाना चाहते हो, अगर हमें अच्छे से टाइमिंग लाना है तो अच्छे से स्पीड वर्कआउट करना चाहिए। और आज हम कुछ ऐसा स्पीड वर्कआउट करेंगे ताकि उसके वजह से आपका अच्छे से स्पीड बढ़ेगा। और अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है 13 सेकंड 14 सेकंड, तो आपको 11 सेकंड तक, अगर आपको 11 सेकंड तक टाइमिंग लाना है, हम आज अच्छे से स्पीड वर्कआउट करेंगे। और अच्छे से स्पीड वर्कआउट करेंगे तभी आपका टाइमिंग अच्छा आएगा। तो आज हम ऐसे यहाँ पर 10 या 15 मीटर में अच्छे से स्पीड वर्कआउट करेंगे। हम कुछ एग्जरसाइज करेंगे ताकि उसके वजह से आपका अच्छे से स्पीड बढ़ेगा और आपका जो टाइमिंग है वो 100 मीटर कम होगा। क्योंकि आज हम जो एग्जरसाइज करने वाले हैं इससे आपका स्पीड तो 100% बढ़ता है। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं ये सभी स्पीड वर्कआउट है। तो चलो आइए देखते किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं। एक्सरसाइज हम 15 मीटर में करेंगे और स्पीड से एक्सरसाइज करेंगे तभी फर्क पड़ेगा। तो पहले एक्सरसाइज में हम ए स्किप करेंगे। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नेक को ऊपर उठाना है और नेक को आपको स्पीड से ऊपर उठाना है। अगर आप स्पीड से एक्सरसाइज करोगे तब आपका फर्क पड़ेगा। और एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम फ्रंट की करेंगे। आपको लेग को फ्रंट की तरफ आगे तरफ ऊपर उठाना है और आप जल्दी जितना जल्दी आप उठाओगे उतना आपका फायदा होगा और आपका स्पीड बढ़ेगा। इसके भी आपको 2 या 3 सेट लगाने हैं, हर एक एक्सरसाइज की 2 या 3 सेट लगानी है। फिर करेंगे सी स्किप, नेक को ऊपर उठाना है उसके बाद साइड पर उठाना है। इस तरह से आपको दोनों पर ऊपर करना है। और ये सभी एक्सरसाइज दोस्तों स्पीड एक्सरसाइज है, इससे आपका स्पीड 100% बढ़ेगा और 100 मीटर भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद बी स्किप करेंगे, पैर को अल्टरनेट करना है और आगे तरफ फेंकना है। आपको दोस्तों डिस्टेंस कम दिया है क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छा स्पीड से एक्सरसाइज करोगे और आपका स्पीड बढ़ेगा। फिर उसके बाद लास्ट हम यहाँ पर हाई नी करेंगे। हाई नी इज़ बेस्ट एक्सरसाइज क्योंकि हाई नी से आपका स्पीड बहुत अच्छा बढ़ता है। ये सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे से करना है, आपका स्पीड जल्दी बढ़ेगा।